हम फिल्में बनाते हैं, फिल्में वो सेंसर बोर्ड में ले जाते हैं, वहाँ से पास करवा के सब कुछ ले जाके फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देता है, फिर गड़बड़ हो जाती है सब कुछ। OMG 2 से कई कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स को किया गया चॉप्ड। अभी आई थिंक बिकॉज ही सेड इट, आई थिंक थिंग्स विल वर्क आउट फॉर अस। शिव का लिंग जैसे शब्द को CBFC ने हटाया। फिल्म में मास्टरबेशन हराम है को किया गया मास्टरबेशन पाप है। फिल्म OMG 2 पर सेंसर बोर्ड की कैंची काफी चली है। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स को चॉप या हटाया गया है जो कि कंट्रोवर्सी को खड़ा कर सकते हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि फिल्म के किन डायलॉग्स पर CBFC ने आपत्ति जताते हुए हटाने का या चॉप करने का ऑर्डर दिया है। नंबर 1, फिल्म से लिंग शब्द को हटा दिया गया। नंबर 2, फिल्म के एक डायलॉग में कहा गया था मैस्टरबेशन हराम है, जिसे बदल कर दिया गया है मैस्टरबेशन पाप है। नंबर 3, फिल्म में एक जगह स्त्री की योनि जैसे शब्दों को भी इस्तेमाल किया गया, जिसे CBFC ने रिमूव करने को कहा है। नंबर 4, अ डायलॉग सेइंग सत्यम शिवम सुंदरम हैज बीन चॉप्ड। नंबर 5, फिल्म के एक सेक्स सीन को भी टोन डाउन किया गया है। नंबर 6, अ सीन ऑफ अ जज क्लिकिंग अ सेल्फी हैज बीन आस्क्ड टू बी डिलीटेड। नंबर 7, अ रेफरेंस टू उज्जैन हैज बीन डिसअलाउड। नंबर 8, ये नई फिल्म के सीन में शराब को प्रसाद के तौर पर दिखाया गया था, जिसे CBFC का परमिट नहीं मिला है। नंबर 9, शिव का लिंग और रासलीला जैसे वर्ड्स को भी अलाउ नहीं किया गया है। बल ये नहीं, इस फिल्म को CBFC की तरफ से ए सर्टिफिकेट दिया गया है। ये फिल्म सेक्स जैसे सेंसिटिव इशू पर बनी है। ऐसे में खबर ये भी है कि इस फिल्म के कई सीन्स पर डिस्क्लेमर और वॉइस ओवर दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिल्म OMG 2 11 अगस्त को रिलीज होगी, साथ ही इस दिन सनी देओल की फिल्म गदर 2 को भी रिलीज किया जाएगा। भाईजान उनके लिए है जो के भाई हैं। जब कटरीना की वजह से जॉन और सलमान आ गए थे आमने सामने, क्या कटरीना और सलमान के बड़प्पन के कारण जॉन को मिली थी एक हिट फिल्म? जॉन कटरीना और सलमान के बीच कैसे शुरू हुई वॉर? सलमान और जॉन अब्राहम के बीच शायद रिश्ते आज भी अच्छे नहीं हैं, और जिसकी एक वजह कटरीना कैफ भी हैं। वेल, लेकिन कैसे कटरीना बन गई जॉन और सलमान के बीच झगड़े का बड़ा रीजन, तो चलिए इस थ्रोबैक स्टोरी में आज हम आपको सुनाते हैं कटरीना सलमान वर्सेस जॉन का यह पूरा किस्सा। आपको बता दें, कटरीना और जॉन अब्राहम एक साथ कबीर खान की हिट फिल्म न्यूयॉर्क में नजर आ चुके हैं, लेकिन इससे भी काफी पहले कटरीना जॉन स्टार और साया में बतौर फीमेल लीड कास्ट की गई थी। लेकिन एक दिन की शूटिंग के बाद कटरीना को फिल्म में रिप्लेस कर दिया गया, जिसके बाद कटरीना रोते रोते अपने डियर खान सलमान के पास पहुंची, और यहीं से शुरू हो गई कोल्ड वॉर बिटवीन सलमान एंड जॉन। सलमान ने अपने एक थ्रोबैक इंटरव्यू में इस बात को कन्फेस किया और ये भी एडमिट किया कि कटरीना के पास भी जॉन को न्यूयॉर्क से हटाने का मौका मिला था, लेकिन उनके और कटरीना के बड़प्पन की वजह से जॉन को फिल्म मिल गई। सलमान खान सेड, आई रिमेम्बर द विजुअल ऑफ कटरीना दैट शी वाज डूइंग द फिल्म फॉर व्हिच शी वाज रिप्लेस्ड बाय तारा शर्मा लेटर एंड कटरीना वाज क्राइंग, माय होल करियर इज डिस्ट्रॉयड। 3 दिन तक वो झेलना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, द फिल्म बिकेम अ बिग हिट, मेरे और कटरीना दोनों के बड़प्पन की वजह से जॉन अब्राहम को बड़ी हिट मिली है। हालांकि इस बात का जिक्र जब जॉन अब्राहम के सामने किया गया तो उन्होंने इस पर सार्कास्टिकली रिएक्ट करते हुए कहा, थैंक यू। ही फर्दर सेड, जी बिल्कुल, कटरीना उस समय बहुत बड़ी स्टार थी और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे और कबीर खान को और हम सबको एक हिट फिल्म दी।
To this, the audience burst out laughing. वैसे जॉन उस वक्त अपने इंटरव्यू में क्लेरिफाई कर चुके थे कि कटरीना को उन्होंने रिप्लेस नहीं करवाया था और इसका रीजन भी उन्होंने दिया. He said, I was a newcomer. I never recommended anyone to remove any actress from any of the films. I was thinking about myself. I didn't have power. Even now, I don't do this. कटरीना सलमान और जॉन के बीच हुआ यूं तो एक थ्रोबैक किस्सा है और अब सभी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले जब ये सरफेस हुआ था तो नेटिजन सलमान के साथ कटरीना और जॉन का भी खूब मजाक उड़ा रहे थे. आप कटरीना सलमान और जॉन के बीच हुए इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया. बिग बॉस OTT 2 कंटेस्टेंट पुनीत सुपरस्टार ने बॉलीवुड की क्वीन कंगना को लेकर किए कुछ शॉकिंग क्लेम्स. पुनीत ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए कंफर्म किया कि लॉकअप सीजन 2 के लिए उन्हें कंगना ने इनविटेशन भेजा है. He also revealed that Kangana said I love you to him while inviting him to the show. यही नहीं, शो में एंटर करने के बाद पुनीत ने कंगना को प्रपोज करने का भी प्लान बना लिया है. बता दें, बिग बॉस हाउस से पुनीत को उनके अनटाइडी बिहेवियर के चलते बाहर कर दिया गया था. क्या शुभांगी अत्रे एके अंगूरी भाभी टीवी की दुनिया के सबसे पॉपुलर शो भाभी जी घर पर हैं को करने वाली हैं क्विट? रिसेंटली ऐसी खबरें सरफेस हुई कि शुभांगी ये शो छोड़ रही हैं, जिससे उनके फैंस दुखी हो गए. पर अब इस पर आई लेटेस्ट अपडेट की माने तो शुभांगी अत्रे इस शो को नहीं कर रही क्विट. हालांकि वो शो से एक ब्रेक जरूर लेने वाली हैं. दरअसल शुभांगी अपनी डॉटर के हायर एजुकेशन के लिए शिकागो जा रही हैं, तो ऐसे में उनका ये ब्रेक लंबा जरूर हो सकता है. वहीं एक्ट्रेस के मुताबिक उन्होंने शो के अपकमिंग एपिसोड्स के लिए शूटिंग कर ली है. बिग बी KBC के नए सीजन के साथ टेलीविजन स्क्रीन्स पर जल्द करने वाले हैं वापसी. बता दें, अमिताभ बच्चन इस शो के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हैं. रिसेंटली शो के सीजन 15 का प्रोमो ऑन एयर हुआ, जिसमें वो शो के एक बिल्कुल नए रूप के साथ आने का वादा करते दिख रहे हैं. ये शो अगस्त 14 को टेलीकास्ट होगा.